अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप खुश होंगे। गर्मी का ज़ोर है और मैंगो की आमद आमद है, तो इसलिए मैंने आज की रेसिपी में आपके लिए मैंगो कुल्फ़ी बनाई है, जो कि बड़ों और बच्चों की यकसां पसंद है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। इसको मैंने हल्की आंच के ऊपर बॉईल करने के लिए रख दिया है और साथ साथ इसके अंदर मैं चम्मच भी चलाती जाऊंगी ताकि दूध लगे नहीं। दूध की क्वांटिटी हाफ रह जाए तो आप इसके अंदर चीनी शामिल कीजिए। चीनी कोशिश कीजिएगा कि कम डालें, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर मिल्क पाउडर भी शामिल करना है और मैंगोज़ भी मीठे होते हैं, इसलिए इसके अंदर हाफ कप चीनी डाली है। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं और चीनी को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कीजिए ताकि चीनी दूध के अंदर अच्छी तरह से शामिल हो जाए। साथ साथ हम दूध को हिलाते जाएंगे ताकि वो लग ना जाए, क्योंकि इस वक्त दूध गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसके अंदर हाफ कप मिल्क पाउडर शामिल करेंगे ताकि दूध में टेस्ट अच्छा आए और इसका फ्लेवर भी अच्छा हो जाए। चम्मच को मुसलसल हिलाते जाएंगे जितनी देर में दूध गाढ़ा हो रहा है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अब 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लीजिए और 3 टेबलस्पून पानी लीजिए या दूध लीजिए और उसके अंदर उसको मिक्स कीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए ताकि लम्स ना बने, और उसको दूध में शामिल कर दीजिए और चम्मच के साथ अच्छी तरह से हिलाते जाइए ताकि मज़ीद दूध गाढ़ा हो जाए। अब हमारा मिक्सचर देखिए रेडी हो गया है। अब हम इसको अलग से बाउल में निकाल लेंगे और इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब ये देखिए मैंने एक अलग बाउल में मिक्सचर को निकाल लिया है और इसको अच्छी तरह से विस्क के साथ मैं मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसके अंदर 3 मैंगोज़ का पल्प, जो कि मीडियम साइज़ के मैंगोज़ हैं, उनका पल्प शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैंगो कुल्फ़ी का मिक्सचर रेडी हो गया है और ये काफ़ी हद तक ठंडा भी हो गया है। अब मैं इसके अंदर बादाम क्रश किए हुए शामिल करूँगी। आप चाहें तो और नट्स भी, जो आपको पसंद हैं, आपके बच्चों को पसंद है, वो शामिल कर सकती हैं। इसके बाद अब मैं सांचे लूँगी और इनको सांचों के अंदर डाल दूँगी। ये सांचे आपको किसी भी शॉप से आसानी से बाज़ार से मिल जाएंगे। आप चाहें तो छोटे छोटे मिट्टी के प्याले भी ले सकती हैं। मैंने जो सांचे लिए थे उनके ढक्कन के साथ स्टिक्स अटैच थी, बच्चों को हैंडल करने में बहुत आसानी होती है इस तरह के सांचे। अगर आपके सांचों के साथ स्टिक्स नहीं है तो आप बाज़ार से स्टिक्स खरीद सकते हैं, क्योंकि अलग से बाज़ार से स्टिक्स लकड़ी की मिल जाती हैं। अब इनको आप फ्रीज़र में 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए फ्रीज कर दीजिए।
कुल्फ़ी को हम फ्रीज़र में रख देंगे। अब हम आपसे कल मिलेंगे। ये देखिए कुल्फ़ी रेडी हो गई है, हमने इसको फ्रीज़र से निकाल ली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुल्फ़ी को सही सलामत बाहर कैसे निकाला जाए। तो आप इसको थोड़ी देर के लिए नलके के नीचे या किसी पानी के प्याले में रख दीजिए। लीजिए कुल्फ़ी रेडी हो गई है, ज़बरदस्त। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।